हेलो स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट वीडियो में जो मैं एनसीईआरटी आपको अभी करा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के प्रीवियस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो 5 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 के। तो क्लास 12th का चैप्टर 1 के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको आगे लेके जाऊँगा और आगे जो आफ्टर 5th क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो भी हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और मैंने जैसे भी पहले भी बताया है कि जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, जिन्होंने सीबीएसई के लिए पेपर नहीं कर पाए हैं, सीबीएसई का पेपर नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जिनका कहना है कि सर हमारा है ही नहीं ये एनसीईआरटी, हमें सिलेबस ही नहीं है हमारा, तो उनके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है ये वीडियो। तो ध्यान से देखते रहें, बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ हमारे इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, जिसमें आप देख पा रहे हैं कह रहे हैं कि 4 points charges QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD इज -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम में मैंने ये जो एक स्क्वायर लिया हुआ है जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा था, और यहाँ पे ए पॉइंट है, देन बी सी और डी, है ना, 4 पॉइंट थे आपके, और हर एक पॉइंट पे आपके पास चार्ज है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, तो QA 2 माइक्रोकूलम का है, QB -5 माइक्रोकूलम का है, QC 2 माइक्रोकूलम का है और QD -5 माइक्रोकूलम का है। और जो डिस्टेंस है O से, जो डिस्टेंस है यहां से, जो डिस्टेंस देखी जा रही है O से A, O से B की डिस्टेंस, O से C की डिस्टेंस और O से D की डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस क्या है, ये इक्वल है, जी हाँ। और अगर मुझे कोई पूछे कि O से A क्या है, तो ऐसे तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप डायगोनल के फॉर्म में देखिए, अगर मैं A B और D मैं देखता हूँ, यहाँ पे B D अगर आपको निकालना हो तो पाइथागोरस लॉ से ये जो 10 सेंटीमीटर है और ये बेस एक तरह से आप ले लो, एक परपेंडिकुलर ले लो, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ऐसे ही निकालते हो आप, और बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 200, राइट, तो ये 200 आ रहा है, तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना, अंडर रूट 200, दैट मीन्स 10√2, ये आपकी वैल्यू आएगी बी डी की। और ये जो बी डी है, ये ऑब्वियस ही बात है कि ये हाफ हाफ इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, मतलब ओ से डी और ओ से बी, O से D और O से B पार्ट में ये बटा हुआ है, तो ये हाफ पार्ट में बटा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या होगा कि अगर आप इसको OA कह लें या OD कह लें, मैं OD कह रहा हूँ यहाँ पे इस पोर्शन को, तो OD जो है ये हाफ है BD का, BD by 2 मैं लिख देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो BD है, तो ये आ जाएगा 10√2 by 2, then 5 times में cancel हो रहा है, that means 5√2, ठीक है, ये अभी सेंटीमीटर में है, और इसको अगर आप मीटर में बदलना चाहो तो 10⁻², इतने मीटर में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि फोर्स कैसे कैसे लग रहा है, तो यहाँ पे इस सेंटर पे जो है O पे जो चार्जेस है वो आपकी 1 माइक्रोकूलम की है, ठीक है,
1 माइक्रो कूलम की चार्जेस है, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम। तो आप ये देखो, ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है क्यू, जो 1 माइक्रो कूलम का है, ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब ओ से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। उसी तरह से क्यू चार्ज दूसरी तरफ इसकी तरफ से भी अट्रैक्ट होगा, -5 माइक्रो कूलम जो दूसरी तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। मतलब जो बी की तरफ फोर्स लग रहा है उसको मैंने लिख दिया एफ बी, जो डी की तरफ फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ डी, ठीक है। उसी तरह से ये पॉजिटिव है, 2 माइक्रो कूलम क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा भी 2 माइक्रो कूलम क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा, तो यहां से अब आप देख सकते हो, तो इस जगह पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसका फोर्स किसके कारण, ये सी के कारण, तो फोर्स, लेकिन ये मैंने जैसा बताया आपको, आपको यहां पे मैं दिखा रहा हूं सी के कारण, लेकिन सी तो होगा नहीं। अब मैं दिखाऊं कैसे, क्यों, आप भी समझ रहे हो, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है, ये ए क्या कर रहा है, ए इसको उस तरफ रिपेल कर रहा है, ए इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ए के कारण लग रहा है इस पॉइंट पे, सी पे। दूसरी तरफ ये जो सी है वो क्या करेगा, वो फोर्स इस तरफ लगाएगा, ए की तरफ लगाएगा, है ना। तो ये जो है ये फोर्स सी के कारण लग रहा है इस तरफ, तो एक फोर्स सी के कारण लग रहा है इस तरफ, और एक फोर्स जो यहां पर लग रहा है ए के कारण लग रहा है, क्योंकि ए इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में और सी इसे रिपेल कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जहां तक फोर्स का सवाल है वो क्लियर हो चुका है, माइनस वाला ये अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा माइनस वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है इसको प्लस 1 कूलम ऑफ चार्ज को, वहीं दूसरी तरफ जो है ये ए वाला जो है रिपेल कर रहा है सी की तरफ, और सी वाला ए की तरफ रिपेल कर रहा है। ये डायरेक्शन जाना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब मैं जो दिखा रहा हूं, ये फोर्स ए के लिए पहले, सबसे पहले दिखा रहा हूं फोर्स ए, फोर्स जो एफ ए लग रहा है यहाँ पे वो क्या लग रहा है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो एक चार्ज कितना है, एक चार्ज 2 माइक्रो कूलम का है, दूसरा चार्ज कितना है 1 माइक्रो कूलम का है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ओ से सी की डिस्टेंस, और ओ से सी की डिस्टेंस जो है ये आपकी कितनी है, जो ओ से डी की है, मतलब 5√2 इंटू 10⁻², ये डिस्टेंस है। और फॉर्मूला जो है के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू फर्स्ट चार्ज 2 माइक्रो कूलम की है, तो 2 इंटू माइक्रो का मैंने बताया था 10⁻⁶ होता है, तो 2 × 10⁻⁶। दूसरा चार्ज होता है 1 × 10⁻⁶, क्योंकि दूसरा चार्ज जो है 1 कूलम का है, और अपॉन में, ठीक है, ये अपॉन में आपके पास डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये 5√2 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं फाइनली इसकी वैल्यू बता रहा हूं 3.6 न्यूटन, जो कि किस डायरेक्शन में लग रही है, ओ से सी की तरफ, तो इतना अलोंग ओ सी, है ना, ओ से सी की डायरेक्शन में ये लग रही है। ठीक इसी तरह से मैंने जो वैल्यू निकाल के रख रही है यहां पे, आप देख सकते हैं एफ बी के लिए, एफ बी के लिए जो के की वैल्यू है, और जो चार्जेस हैं, एक 5 × 10⁻⁶ का है, दूसरा 1 × 10⁻⁶ का है, और उसके बीच की डिस्टेंस सबके लिए कॉमन है, इसकी डिस्टेंस तो हर किसी के लिए कॉमन ही है, तो ये 9 न्यूटन की वैल्यू दे रहा है ओबी की डायरेक्शन में, तो ओबी की डायरेक्शन में 9 न्यूटन की वैल्यू, ये देखिए आप, ओ से बी कितना हो गया 9 न्यूटन का। तो यहां पर मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं, ओ से बी आपका 9 न्यूटन हो गया, जबकि एफ ए, ए की तरफ क्या फोर्स लग रहा था 3.6 न्यूटन का, यहां पे डायग्राम में ही मैं 3.6 न्यूटन लिख रहा हूं। उसी तरह से जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही 9 न्यूटन का फोर्स दूसरी तरफ भी लग रहा है, और जितना 3.6 का ओ से ए की तरफ लग रहा है, ये आप देख रहे हैं फोर्स एफ ए जो लग रहा है, एफ सी भी उतना ही 3.6 न्यूटन का लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में।
ऑब्वियस सी बात है इस सेंटर पे जो है टोटल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे तीनों फोर्स, बाकी जो तीन फोर्स हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आप 3 पॉइंट, ये जो एफ बी है 9 न्यूटन का ओ बी के डायरेक्शन में, एफ सी जो लग रहा है एफ सी 3.6 न्यूटन का ओ ए के डायरेक्शन में जो कि मैंने दिखा रखा है आपको, और एफ डी जो है वो फिर से 9 न्यूटन का। तो दो फोर्सेस जो हैं 9 न्यूटन के हैं जो एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं यहाँ पे, और दो फोर्सेस जो है 3.6 न्यूटन का है ये भी एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो एफ सी है वो क्या है, निगेटिव ऑफ एफ ए है, तो जो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है फोर्स लग रहा है, और एफ डी जो है वो भी जो है निगेटिव ऑफ एफ बी है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट ही लग रहा है। तो नेट फोर्स इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर आप देखें नेट फोर्स एक फॉर्मूला मैं लगाता हूं, एफ इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इस हिसाब से देखा जाए तो एफ ए और एफ बी को मैं एज इट इज रहने देता हूं, और एफ सी को मैं लिख रहा हूं एफ ए, यहां पे लिखा है एफ सी को मैंने एफ ए माइनस में, तो ये एफ ए हो गया, और एफ डी को मैं लिख रहा हूं माइनस एफ बी, तो माइनस एफ बी। इस तरह से टोटल फोर्स जो होता है वो 0 न्यूटन का आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो जाता है आपका।